इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच टीएमसी सांसदों पर एक्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा। बुधवार को जिन 6 टीएमसी सांसदों को दिनभर के लिए सस्पेंड किया गया उनमें से एक अर्पिता घोष पर राज्यसभा के एक दरवाजे का शीशा तोड़ने का आरोप है। इस घटना में एक महिला मार्शल भी घायल हुई। इस मामले में टीएमसी सांसद पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले पर राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू अपना फैसला सुनाएंगे। संसद की कार्यवाही के दौरान मर्यादा तोड़ने का टीएमसी के एक सांसद शांतनु सेन पहले ही पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। शांतनु सेन ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से पर्चा छीनकर उसे फाड़ दिया था। अब इसी तरह का बर्ताव अर्पिता घोष ने किया। हंगामे के दौरान मर्यादा तोड़ने पर जब 6 सांसदों को सस्पेंड किया गया तब इन्होंने स्पीकर के फैसले को नहीं माना और जबरन सदन में घुसने की कोशिश की। इसी दौरान अर्पिता घोष का आरोप है इन्होंने एक दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश की। बुधवार को जिन 6 टीएमसी सांसदों को दिनभर की कार्यवाही के लिए सस्पेंड किया गया उनके नाम हैं अर्पिता घोष, डोला सेन, मोहम्मद नदीमूल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता क्षेत्री, मौसम नूर। संसद में सांसदों के निलंबन पर टीएमसी ने कड़ा एतराज जताया। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमारे सांसदों पर जितनी सख्ती हो रही उससे साफ पता चल रहा है प्रधानमंत्री ने अपनी हार कबूल कर ली। आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।